का भी नियम क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रधानमंत्री पालन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके लिए अलग से नियम है कह रहे हैं, ये गलत, सबके लिए सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, आप कानूनी कार्रवाई नहीं की है इस तरह की। पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन आम आदमी को उत्पीड़न हो रहा है, जो कि कहने लायक नहीं है। धरने में फर्स्ट बैठे हुए हैं विनय सागर, हमारे बनारस के मंडल अध्यक्ष विनय सागर जी, ये हमारे जिला अध्यक्ष गोरखनाथ बोध, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, बिहार में जिंदाबाद, तमाम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे सारे विधानसभा के सारे अध्यक्ष मनोज जी हैं, और दिनेश बौद्ध जी हैं, पंकज जी हैं, तमाम भीम आर्मी के छोटे बड़े पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो धरना को लेकर के काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, धरने पे लगातार बैठे हुए हैं सारे लोग, आप देख सकते हैं, ये हमारी माताएं और बहनें हैं, नज़दीक से आप लोग देखिए, ये अभी काफ़ी संघर्ष कर रही हैं हमारे साथ। और हमारे काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता कमलेश जी हैं, रतन सिंह जिंदाबाद, रतन सिंह जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद, मंजीत नोटियाल जिंदाबाद, मंजीत नोटियाल जिंदाबाद। हमारे कार्यकर्ता काफी सक्रिय मूड में है इसमें धरना पे, गोरखनाथ बाबू जिंदाबाद, बीना सागर जिंदाबाद, बीना सागर जिंदाबाद, दिनेश बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिनेश बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। थाना सादियाबाद का ये मामला है, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का ये मामला है, लगातार उत्पीड़न हो रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, आम आदमी की कोई बात सुनी नहीं जा रही है, और ये मामला भीम आर्मी के संज्ञान में आते हुए इसके बाद हमारे मंडल अध्यक्ष विनय सागर और गोरखनाथ बोध जी जिला अध्यक्ष के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने काफी सक्रियता दिखाई। कभी कभी नियम क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रधानमंत्री पालन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके लिए अलग से नियम है कह रहे हैं, ये गलत, सबके लिए सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, आप कानूनी कार्रवाई नहीं की है इस तरह की, इसलिए इस नौबत आई है, यह स्थिति है। और आपसे हम लोग मौखिक रूप से मिल चुके हैं, फिजिकली रूप से मिल चुके हैं, आपने कहा कि शाम तक हम FIR कर देंगे, लेकिन आपने नहीं किया, अगले दिन हमारे पदाधिकारी भी मिले थे तब भी आप नहीं किए, कल शाम को इन लोगों को मैंने आपके यहाँ भेजा भी था, तो सुनने में क्या आया, सुन लीजिए, जो भी SI थे, एक दो लोग थे, बता देंगे अभी, कहाँ गया दीना, कौन थे इसमें से, पहचान के बताओ तुम, की बात हो, हाँ आ जाओ पीछे आ जाओ, वो थे ना साहब जो पीछे लिखते हैं, इन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर ही FIR होगा, ये लो, हो रहा है रात में 11 बजे माननीय मीडिया वाले, एक मिनट, मीडिया वाले साथी भी यहाँ उपलब्ध हैं, मैं बताऊं हुआ क्या, सुन लीजिए थाना अध्यक्ष जी, ये इनको मैंने शाम को भेजा था कि आप देख लो, नहीं कुछ क्लियर होता है तब हम लोग कल सोचेंगे, ये जब आए मौके पे